लंबे समय से नियमित मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर आशा बहुओं का आंदोलनरत आशा बहुओं की मांग पूरी नहीं हो रही है, जिसकी वजह से गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में राष्ट्रीय अध्यक्षा ऑल इंडिया आशा बहु कार्यकर्त्री कल्याण सेवा समिति चंदा यादव के नेतृत्व में धरना दिया। आशा बहु की मांग है कि उन्हें नियमित मानदेय दिया जाए, साथ ही साथ अन्य मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन को बाध्य होंगे। इस अवसर पर भारी संख्या में आशा बहु मौजूद रही। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चंदा यादव ने कहा, मेरी मांगे पूरी हो, हमें प्रोत्साहन नहीं चाहिए, मानदेय चाहिए, मानदेय चाहिए, अभी ये अंगड़ाई है, आज हम इस मांग को लेके आज एक दिवसीय धरना जो है आज नगर निगम में लगाए हुए हैं, और अस्पताल के लोग जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं आज हमारी आशा बहुओं के साथ शोषण कर रहे हैं। आज उन लोगों को हमने जानकारी दे दिया था कि एक दिवसीय हमारा जो है धरना प्रदर्शन होगा और रैली के माध्यम से हम आपको ज्ञापन देंगे, लेकिन उन लोगों ने अस्पताल पर मीटिंग करा रहे हैं, ट्रेनिंग करा रहे हैं, लेकिन इनकी घोषाखोरी हम चलने नहीं देंगे और अपनी मांग को लेके हम 29 अक्टूबर को लखनऊ कूच करेंगे, कलम बंद हड़ताल भी अनिश्चितकाल करेंगे। और हमने प्रोत्साहन कहा था कि हम प्रोत्साहन नहीं लेंगे, हमको एक नियमित मानदेय चाहिए। बार बार प्रोत्साहन दिया जा रहा है, भत्ता दिया जा रहा है, हमारी स्वस्थ आशा बहुएं जो है इससे संतुष्ट नहीं है। हमारा जब तक नियमित मानदेय नहीं होगा तब तक हम अपना आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और लखनऊ भी 29 अक्टूबर को कूच करेंगे।